सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 15,200 के पार कारोबार कर रहा था। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने निर्देश में कहा है कि जिन अभिभावकों के बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, उनको वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाए, इससे बच्चे और अभिभावक दोनों सुरक्षित रहेंगे। पंजाब कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से एक साल पहले कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई गंभीर मोड़ लेती दिख रही है। ऐसे में पार्टी के विवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस आला कमान को आगे आना पड़ा है। आला कमान ने तय किया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कि राज्य में पार्टी इकाई की सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए कदम उठाएगी। चक्रवाती तूफान यास के दस्तक देने से पहले ही रेलवे सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। पूर्वी रेलवे ने 6 दिन के लिए 25 ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है। ये सभी ट्रेनें 24 से 29 मई के बीच कैंसिल रहेंगी। एक चीनी अमेरिकी नागरिक अधिकार समूह ने कथित तौर पर कोविड-19 को चाइना वायरस कहने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। चीनी अमेरिकी नागरिक अधिकार गठबंधन ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट में शिकायत दर्ज की। शिकायत में समूह ने ट्रंप द्वारा चाइना वायरस शब्द के इस्तेमाल को निराधार बताया। कोरोना संक्रमण को लेकर सामने आ रही तमाम नेगेटिव खबरों के बीच यूपी से एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के 33 गांवों की कमान अब मशहूर कवि कुमार विश्वास, फिल्म स्टार सोनू सूद और लोक गायिका मालिनी अवस्थी संभाल रही हैं। गोरखपुर के डीएम के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि हालात ऐसे थे कि हम किसे बेड दें किसे नहीं ये तय करना मुश्किल था। एक दिन 100 लोग एक बेड के लिए लाइन में थे, मरने के लिए इंतजार कर रहे थे। आदमी की मृत्यु होगी तभी वो बेड मिलेगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक मां ने अपनी ही 8 साल की मासूम बेटी का अपहरण करवा दिया। उसने पड़ोस के 2 सगे भाइयों के ऊपर बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाकर शिकायत की, लेकिन इस पूरे मामले का जल्द ही खुलासा हो गया। रायपुर में कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन में अब धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो गई है और किराना, कपड़ा, सराफा, ऑटो पार्ट समेत तमाम व्यापार खोल दिए गए हैं, मगर अभी भी बाजार में कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है और कारोबार की रफ्तार बिल्कुल सुस्त है। कारोबारियों का कहना है कि इन दिनों कारोबार बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है, धीरे धीरे ही रफ्तार पकड़ेगा। बाजार सुस्त रहने के बावजूद इन दिनों इंजन ऑयल व ऑटो पार्ट की कीमतों में 20% तक की तेजी आ गई है। आज से इंदौर के अपोलो राष्ट्रीय अस्पताल में भी कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। गौरतलब है कि 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का टीकाकरण शुरू होने के बाद शहर का यह पहला अस्पताल है जहां शुल्क देकर लोग टीका लगवा सकेंगे। रायपुर सहित कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संपूर्ण राजधानी में सैकड़ों ऐसे मरीजों की मृत्यु हुई जिनके सहारे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। अब उस परिवार के समक्ष जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से 4 लाख मुआवजा दिया जाए और साथ ही हर माह 5,000 रुपए पेंशन दिया जाए ताकि परिवार का खर्चा चल सके। इस मांग को लेकर मदद जनसेवा संस्था ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। घटिया बावड़ली पुल एक मोटर मार्ग पर गर्भाधार में पहाड़ी दरकने से मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार BRO के अंतर्गत कार्यदायी संस्था गर्ग एंड गर्ग कंपनी की ओर से लिपुलेख मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप के जैना ने कहा है कि केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक सहित महत्वपूर्ण जिलों में तैयारियों की समीक्षा की गई है। निकासी, बुनियादी ढांचे, पीने के पानी के साथ आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। चक्रवात यास के बाद बिजली और दूरसंचार टावरों की बहाली के लिए मजबूत योजना बनाई जा रही है। सभी कोविड अस्पतालों को वैकल्पिक बिजली बैकअप दिया गया है। पर्याप्त दवाएं और उपभोग की सामग्रियों को कम से कम 7 दिनों के लिए संग्रहित किया गया है। रामगढ़ के कांग्रेस नेता सुधीर मंगलेश ने इस आपदा की घड़ी में दुलमी प्रखंड क्षेत्र के लोगों का निस्वार्थ भाव से सेवा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दुलमी प्रखंड क्षेत्र के मरीजों को अस्पताल पहुँचाया जाएगा, साथ ही जरूरत पड़ने पर PPE किट पहनकर क्षेत्र के कोरोना मरीजों को भी कोविड अस्पताल पहुँचाया जाएगा। श्री मंगलेश के इस नेक कार्य की क्षेत्र के लोग सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेस नेता की इस बेहतर पहल से गरीब व असहाय लोगों को काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को योग गुरु बाबा रामदेव को पत्र लिखकर विवादित बयान वापस लेने को कहा है। हर्षवर्धन ने पत्र में लिखा, एलोपैथी से जुड़े हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर बहुत मेहनत से कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं। आपके बयान से कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने संदर्भ में एक एडवाइजरी भी जारी की है। लॉकडाउन की यह अवधि 24 से 31 मई तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने इस बार के लॉकडाउन में दुकानदारों को राहत प्रदान की है, बाकी की शर्तें पहले की तरह की जारी रहेंगी।
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों पब्लिक के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करने से नहीं कतराते हैं। अब एक इंटरव्यू में अर्जुन ने मलाइका के साथ अपनी रिलेशनशिप पर खुलकर बात की है और बताया कि वे मलाइका के कम्फर्ट का हमेशा ध्यान रखते हैं। बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर श्रेया घोषाल हाल ही में मां बनी है। उन्होंने 37 साल की उम्र में बेटे को जन्म दिया है। सिंगर ने 5 फरवरी साल 2015 में एक प्राइवेट सेरेमनी में बॉयफ्रेंड चिरादित्य मुखोपाध्याय से शादी की थी, जिसके 6 साल बाद वे मां बनी है। श्रेया घोषाल से पहले भी कई बॉलीवुड दीवा शादी के सालों बाद और ज्यादा उम्र में मां बनी है। भारतीय फुटबॉल जगत का एक शर्मनाक पहलू सामने आया है। झारखंड में रह रही इंटरनेशनल फुटबॉलर संगीता सोरेन और उनका परिवार मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। संगीता के पिता दुबे सोरेन नेत्रहीन होने की वजह से कोई काम करने में असमर्थ है, जबकि उनका भाई दिहाड़ी मजदूर है। भाई की आमदनी किसी दिन होती है और किसी दिन नहीं। ऐसे में परिवार का पेट पालने के लिए संगीता को ईंट भट्टे में काम करना पड़ रहा है। आखिरकार आईपीएल के बचे हुए मैचों के लिए बीसीसीआई ने विंडो तलाश ली है। सूत्रों के मुताबिक बचे हुए मैच यूएई में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे। पहले भी बोर्ड इन मैचों के लिए दो ऑप्शंस पर विचार कर रहा था। इनमें इंग्लैंड और यूएई शामिल थे।